Hello friends, welcome to another video tutorial from Kamal Dhariyal. Dosto, aaj ki video mein hum discuss karenge radioimmunoassay pe. Dosto, isse pehle ki videos pe humne antigen-antibody reactions par based bahut sare reactions ko, bahut sare test ko humne discuss kiya tha, jaise ELISA hai, aapka agglutination और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इन पे हमने डिस्कस किया था. तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पर बेस्ड एक और टेस्ट है आपका रेडियो इम्यूनो एसे, ऑल्सो नोन एज रिया. क्लियर? तो दोस्तों, ये भी एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेज को डायग्नोस करने के लिए, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन्स सच एज हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, ड्रग्स, विटामिन्स, लाइक दैट, राइट? और इसके अलावा जो माइक्रोबियल एंटीजन्स होते हैं, जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरियल एंटीजन्स हैं, उनके डिटेक्शन के लिए आप इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो अगर देखा जाए तो रेडियो इम्यूनोएसे ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट है. इट इज वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, राइट? तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि इट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टेस्ट. क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. क्लियर? और जैसे कि हमने बोला कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. सेंसिटिव मींस अगर किसी सीरम में, किसी पेशेंट के सीरम में अगर एंटीजन्स का लोड बहुत कम भी है, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन अगर बहुत कम भी है, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है. मींस अगर द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज लेस देन 0.01 माइक्रोग्राम पर ml, अगर इतना कंसेंट्रेशन भी है, ठीक है, एंटीजन का, तो ये इसको भी डिटेक्ट कर लेता है. इस टेस्ट से आप इस कंसेंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए बोला कि इट इज वेरी सेंसिटिव. क्लियर? और स्पेसिफिक इस वे में बोला कि आप किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक एंटीजन को, जैसे अगर किसी डिजीज को आप डायग्नोस कर रहे हैं, तो उसके कॉजेटिव एजेंट के स्पेसिफिक एंटीजन को आप इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप एंटीजन ऑफ हॉर्मोन्स के एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं, या ऐसी प्रोटीन्स हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रग्स, या आप कह सकते हैं एलर्जन को अगर आप आइडेंटिफाई करें, तो स्पेसिफिकली ये आपको रिजल्ट दे देता है. इसीलिए इसको बोला कि स्पेसिफिक. एक तो सेंसिटिव है, दूसरा स्पेसिफिक, राइट? और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो दिस टेस्ट इज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट्स नेम एज बर्सन एंड येलो. दोस्तों ये अमेरिकन फिजिशियंस थे, अमेरिकन फिजिशियंस थे. इन्होंने इस टेस्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया इन 1960 में इन्होंने, और इसी काम के लिए, इसी वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज से भी दिया गया. दोस्तों, दे वेर अवार्डेड नोबेल प्राइज इनको दिया गया 1977 पे. क्लियर? ये दोनों क्या थे आपके? अमेरिकन फिजिशियन और साइंटिस्ट भी ये थे. इन्होंने बहुत सारे फील्ड में काम किया. तो इस काम की वजह से, स्पेसिफिकली फॉर दिस वर्क, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिया रेडियो इम्यूनो एसे, दे वेर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1977. क्लियर?
तो आइए दोस्तों देखें कि इस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करेंगे। दोस्तों इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि सपोज कोई पेशेंट हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड, क्लियर। तो इसको हमें डायग्नोस करना है, किस मेथड से, रेडियो इम्यूनो ऐसे से हमें इसको डायग्नोस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले वैसे अगर देखें तो रेडियो इम्यूनो ऐसे का जो किट है वो कमर्शियली अवेलेबल रहता है, राइट। इसमें होता क्या है, उस किट में आपका क्या होगा कि एक एंटीजन, सपोज एग्जाम्पल के लिए हम अभी हेपेटाइटिस बी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन, सपोज ये सरफेस एंटीजन या जो भी एंटीजन है, अभी यहाँ पे हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की ही बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो सपोज हमने ये एंटीजन है, दिस एंटीजन, इस एंटीजन को हम डिनोट कर लें ए जी बी, सॉरी ए जी ए से, स्मॉल ए से हम इसको डिनोट करें। दिस एंटीजन इज लेबल्ड बाय ए रेडियो आइसोटोप ऑफ आयोडीन, सपोज हमने क्या लिया I-125। दिस एंटीजन इज लेबल्ड बाय आइसोटोप ऑफ आयोडीन विच इज I-125, क्लियर। दिस I-125 इज आइसोटोप ऑफ आयोडीन, क्लियर। एंड दिस एंटीजन इज कॉल्ड रेडियो लेबल्ड एंटीजन, इट इज कॉल्ड रेडियो लेबल्ड एंटीजन, राइट। नाउ दिस रेडियो लेबल एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, क्लियर। तो अब क्या करेंगे कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, मीन्स इस सरफेस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी लिया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ए बी ए। दिस एंटीबॉडी इज अगेंस्ट दिस एंटीजन, क्लियर, करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग है एंटीबॉडी, ठीक है, जो कि ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से स्पेसिफिकली बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो क्या किया, एक स्लाइड हमने ले ली, स्लाइड जिसमें कि वेल्स बने हुए हैं दोस्तों, छोटे छोटे इसमें वेल्स होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे इस पे, आप एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ले लिया, कौन सी एंटीबॉडी, दिस एंटीबॉडी, राइट, दिस एंटीबॉडी, आपने इस स्लाइड पर क्या किया, इस एंटीबॉडी को लिया, क्लियर, और उस पर क्या ऐड कर दिया, इस एंटीजन को ऐड कर दिया, कौन सा एंटीजन, विच इज रेडियो लेबल्ड, इस एंटीजन को हमने ले लिया, क्लियर। सपोज दिस वन इज द रेडियो लेबल्ड एंटीजन, क्लियर। तो जब हम इस सिस्टम की, जिसमें हमने ग्लास स्लाइड पे ये एंटीबॉडी ऐड किया, एंटीबॉडी डाला और इस एंटीजन से इसको ट्रीट करा दिया, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी स्पेसिफिकली इस एंटीजन के लिए थी, तो ये इससे क्या हो गया, प्रॉपरली बाइंड हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसमें अगर हम सुपरनेटेंट की बात करें, तो सुपरनेटेंट में ये तो क्या हो गया, ये इसकी सरफेस पर आपके क्या हो गए, अटैच हो गए, ठीक है, लेकिन ऊपर सुपरनेटेंट जो पार्ट है, इस सुपरनेटेंट में कोई भी फ्री एंटीजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसकी रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे दोस्तों, जब हम इसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करेंगे, तो रेडियो एक्टिविटी इसकी जीरो होगी,
क्यों? क्योंकि सुपरनेटेंट पार्ट पर कोई भी फ्री एंटीजन अवेलेबल नहीं है। तो जब हम इस सुपरनेटेंट पार्ट की रेडियो एक्टिविटी मेजर करेंगे तो ये क्या होगी आपकी? जीरो। रेडियो एक्टिविटी क्या होगी? जीरो। अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे, इसी सिस्टम पे हम क्या करेंगे, इस सिस्टम पे हम क्या ऐड करेंगे, पेशेंट पेशेंट्स सीरम। कौन सा पेशेंट? जो कि किससे इन्फेक्टेड है, एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे दोस्तों, इसमें आपके ये पेशेंट के सीरम में एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। कौन सा एंटीजन? दिस सरफेस एंटीजन, सेम एंटीजन, ठीक है, बट इट इज अनलेबल्ड विथ एनी आइसोटोप ऑफ आयोडीन, ठीक है। ये कैसा होगा आपका? सिर्फ एंटीजन ए, ठीक है। इसको हमने इसको ये रेडियो लेबल्ड नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है। ये कहाँ अवेलेबल है? इट इज अवेलेबल इन द पेशेंट सीरम, ठीक है, जिससे हम इस पेशेंट को की डिजीज को डायग्नोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका पेशेंट के सीरम में अवेलेबल है। तो जब आप इस सिस्टम में इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये आपकी एंटीबॉडीज हैं, दीज आर दी एंटीबॉडीज, क्लियर, एंड देयर आर रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अगर अगर इस सिस्टम में मींस इस पेशेंट का सीरम जब आपने ऐड किया, इस पेशेंट के सीरम में अगर एंटीजन प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, मींस एक अच्छी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो दीज एंटीजन्स आर इनफ टू रिप्लेस दिस रेडियो लेबल एंटीजन। इन दोनों में क्या होगा, ये एंटीजन भी सेम है और ये एंटीजन, दिस सपोज ये एंटीजन को हम ब्लैक कलर से दिखा दें और ये तो ऑलरेडी हमने रेड कलर से शो किया हुआ है, तो दिस ब्लैक कलर्ड एंटीजन, बिटवीन दिस ब्लैक कलर्ड एंटीजन एंड दिस रेड कलर्ड एंटीजन, यहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉम्पिटिशन में क्या होगा कि अगर इस पेशेंट के सीरम में एंटीजन्स आपके अच्छी अमाउंट में अवेलेबल है, यानी कि कंसंट्रेशन अगर अच्छी है, तो क्या होगा, ये इस रेडियो लेबल एंटीजेंस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रेडियो लेबल एंटीजन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये रेडियो लेबल्ड एंटीजन आपका किधर आ जाएगा दोस्तों, ये इस सुपरनेटेंट के पार्ट पर आ जाएगा, सुपरनेटेंट में आ जाएंगे आपकी ये तीन जो आपकी रिप्लेस हुई हैं, ये आपके सुपरनेटेंट पार्ट में आ जाएंगे, यानी कि ये क्या आपके रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस हैं और ये नॉन रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस हैं, ये ब्लैक कलर वाली, क्लियर। तो अब देखिए, अब जब आप इस सिस्टम का कि जो सुपरनेटेंट पार्ट है उसकी जब आप रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी क्या होगा दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी जब आप मेजर करेंगे तो इसमें रेडियो एक्टिविटी आपकी पहले की कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। क्यों? पहले तो जीरो थी। क्यों थी जीरो? क्योंकि फ्री एंटीजन्स अवेलेबल नहीं थे किसमें, रेडियो आपके सुपरनेटेंट के पार्ट में। अब आपका सुपरनेटेंट के पार्ट में फ्री एंटीजन आ गया, ठीक है, फ्री एंटीजन, दिस फ्री एंटीजन इज रेडियो लेबल्ड एंटीजन, और जिससे क्या होगा, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, क्लियर। रेडियो एक्टिविटी के लिए आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, जैसे गामा काउंटर है, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एंटीजन को, हाँ एक बात याद रखिए कि इस एंटीजन को, दिस अनलेबल्ड एंटीजन इज नोन एज कोल्ड एंटीजन, इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड एंटीजन, एंड दिस रेडियो लेबल्ड एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, क्लियर। तो दोस्तों देखिए, यही आपका पूरा रेडियो इम्यूनो ऐसे है। अब देखिए, अगर इसको दूसरे वे में देखें, अगर इस सीरम में, इस पेशेंट के सीरम में अगर एंटीजन अवेलेबल नहीं होता,
एंटीजन अवेलेबल नहीं होता तो ये एंटीजन, ये ब्लैक कलर का एंटीजन रेड कलर के एंटीजन को रिप्लेस नहीं करता। जब एंटीजन ही नहीं है तो रिप्लेसमेंट भी नहीं होता, ठीक है। रिप्लेसमेंट नहीं होता तो आपके इस सुपर न्यूट्रिएंट के पार्ट में कोई फ्री एंटीजन अवेलेबल नहीं होता। तो अगर फ्री रेडिकल अवेलेबल नहीं होता, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, फ्री एंटीजन अगर अवेलेबल नहीं होता तो इन दोनों की रेडियो एक्टिविटी इक्वल होती, सिमिलर होती, इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो। तो इसका मतलब इस पेशेंट के सीरम में, ये पेशेंट जो का जो सीरम है वो इन्फेक्टेड नहीं है। एग्जाम्पल हमने हेपेटाइटिस का लिया था, तो ये इस पेशेंट को हेपेटाइटिस नहीं होता अगर ये एंटीजन अवेलेबल नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए आप, ये एंटीजन अवेलेबल है, इस एंटीजन ने इस रेड कलर के एंटीजन को रिप्लेस किया है, तो इसका मतलब इस पेशेंट को हेपेटाइटिस है। दिस पेशेंट इज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर? तो दोस्तों दिस इज, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट रेडियो इम्यूनो एसे। क्लियर? तो इस टेस्ट से ये रेडियो इम्यूनो एसे का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनके थ्रू आप, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि आप बहुत सारे माइक्रोबियल एंटीजन्स, जैसे एग्जाम्पल यहीं पे हमने दिया, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीजन्स ऑफ हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, ड्रग्स एंड विटामिन्स ऑल्सो। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट रेडियो इम्यूनो एसे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज आप लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियोज सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।